शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। ये कहावत कैप्टन दीपक सिंह पर सही बैठती है। आज आज़ादी का पर्व है, 15 अगस्त है, लोग देश में आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन दीपक के घर पर आज मायूसी छाई है। दीपक अपने देश पर सर्वोच्च बलिदान करके शहीद हुए हैं। देश की रक्षा करते हुए आज उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। उत्तराखंड के रहने वाले दीपक 2020 में फौज में भर्ती हुए थे और मात्र 5 साल में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज उनको याद करते हुए हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके घर पर काफ़ी लोग हैं जो उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम किस्से बता रहे हैं। दीपक 2020 में फौज में भर्ती हुए थे और आज उनके घर पे खबर आती है कि दीपक देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। आज 15 अगस्त है, देश जहां 15 अगस्त के दिन देश की आज़ादी का पर्व मना रहा है, ऐसे में दीपक के घर पर मायूसी छाई है। दीपक का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में उत्तराखंड पहुंचने वाला है। आर्मी से जैसी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि लगभग 12:50 के आसपास चोली ग्रांड एयरपोर्ट पर दीपक का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसको वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद उनके शरीर को उनके घर पर लाया जाएगा। दीपक के पिता भी देश के लिए काम कर चुके हैं, पुलिस में थे और VRS लेकर के रिटायरमेंट लिया था उन्होंने और अब घर पर रह करके घर की देखभाल कर रहे थे। वहीं बात करें दीपक की, तो दीपक 2020 में फौज में भर्ती हुए थे, 4 से 5 साल उन्होंने फौज के लिए काम किया, कैप्टन थे और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। फिलहाल दीपक के घर पर इस वक्त तांता लगा है, लोग उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग 5 से 10 हज़ार की संख्या में लोगों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, 5 से 10 हज़ार संख्या है। इसको लेकर के पुलिस ने भी तमाम इंतजाम कर रखे हैं। जोली ग्रांड एयरपोर्ट पर उनके शरीर को रिसीव करने खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचने वाले हैं। फिलहाल दीपक के पिता ने उनकी शहादत को लेकर कहा है कि उन्हें गर्व है, उनके बेटे ने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन उनको अफसोस भी है कि उनका बेटा मुझे 2-3 अननोन नंबर से कॉल आया। मैं जनरली जब तक सेफ नहीं रहता मैं अननोन नंबर जल्दी उठाता नहीं, जब कंटिन्यूस नंबर आने लगे तो मुझे उसमें से एक आवाज़ करो इतनी सुनाई थी कि मैं नायक, नायक शब्द सुनते ही मेरा माथा ठनका कि आखिर इतनी कॉल वो भी नायक, मतलब आर्मी से रिलेटेड। फिर तुरंत एक कॉल आती है, उन्होंने कॉल करते ही कहा मैं ब्रिगेडियर, तो ब्रिगेडियर कहते ही मैं समझ गया कि कोई अनहोनी होगी, तो मुझे ब्रिगेडियर साहब क्यों कॉल करेंगे। तो मुझे जब उन्होंने सूचना दी तो अब मैं दूसरे स्टेट में, मैं सबसे पहले मेरे सामने जो घटना घट गई मैं तो उसको ही मान के चल रहा था कि जो हुआ है वो किया, लेकिन मैं अपनी मिसेज को कैसे यहाँ से मैं वहाँ देहरादून ले जाऊँगा, जो मेरे लिए बहुत टास्क था। लेकिन मैं जैसे ही घर गया तो मेरे दामाद भी पहुंच गए क्योंकि वही पायलट है कि आंखों में आंसू देख। मैंने कहा ना अभी देहरादून चलना है हमें, तो उसने कहा अभी क्यों चलना है जबकि हमको 3-4 महीने बाद जाना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं कुछ अर्जेंसी है, तो इतना कहने में ही वो दोनों माँ बेटे खबर पड़े। उन्होंने कहा ना कोई बात हो गई, आप हमसे छिपा रहे हैं। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कर दी, बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं कुछ ना कुछ बात है, आप छिपा रहे हो, अभी क्यों जाना है। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, अभी दीपक का जो है कहीं के उसको इंजरी बता रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज है। तो उन्होंने कहा जब हॉस्पिटलाइज है आप जम्मू तो जा नहीं सकते, लेकिन आप देहरादून क्यों जा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही टिपिकल था कि मैं उसको कैसे वापस समझाऊँ। मैं बड़ी मुश्किल से उसको देखिए मुझे, क्योंकि उस समय में तत्काल फ्लाइट मुझे कोई मिल नहीं सकती थी। मैं रात के 8 बजे की फ्लाइट पकड़ के वहाँ से दिल्ली आया, मैं 1 बजे करीब दिल्ली पहुँचा हूँ, 2 बजे मैं वहाँ से कैब करके यहाँ बोली से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज जो भी घटना है मुझे उस पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि एक दिन सब ने यहाँ कोई अमर तो है नहीं, लेकिन मेरे बेटे का इच्छा ही यही थी, उसका शौक ही यही था। और उसने जब भी ट्रेनिंग शुरू की थी उसका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था इन्फेंट्री में, और उसमें मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि सिग्नल आउट कर लें,
उसने जब 4 साल की ट्रेनिंग की, उसके बावजूद भी वो कहने लगा कि फाइनल में मुझे इन्फेंट्री जाना है, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो रहा है। तो मैंने फिर मेरे गांव के 2-3 सीनियर कर्नल रैंक हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा इसको थोड़ा सा कन्विंस कर देते, लेकिन वो उसमें कन्विंस हुआ। लेकिन जैसे ही उसने ज्वाइन किया, वो फिर मुझसे कहता है कि नहीं मुझे यहाँ आनंद नहीं आ रहा। बड़े मुश्किल से उसने असम में पोस्टिंग काटी, इस बीच मेरी बेटी की शादी मुंबई में थी, तो वो घर आया था। तो शादी के बाद वो मुझे कैंट ले गया एक दिन कार, तो कहता पापा चलो मैं एक वेपन अपने लिए ले रहा हूँ, दिखाता हूँ आप। तो उसने वहां से एक खुकरी खरीदी, खुकरी जब खरीदी, खुकरी दिखाते हुए मुझसे कहता देखो ये जब मेरे पास पूरी गन लोड रहेगी, अगर उसमें से कोई भी अगर कारतूस मेरे पास नहीं बचेगा ना, मेरा ये खुकरी काम आएगी। वो लगातार अपने सीने से उसको यहाँ पे उसने बताया था, टांगने वाला यही टांगता था। और डेली उसकी जब भी उसको समय होता था बेटी को उनका पद, और जस्ट अपोजिट बताता घर वालों, तो कभी कहेगा कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, और जबकि जाता था कहीं सुन रही। और परसों भी इनको कह रहा था कि मैं अपनी यूनिट जा रहा हूँ, और कभी बोलता था मैं अभी पार्टी में, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पुलिस डिपार्टमेंट में रहने के कारण मुझे इस बात की जानकारी थी कि ये बोलता क्या है। और एक बार तो उसने ये किया कि मैंने उस इन्होंने वॉश नहीं किया, मैंने वो नीचे के उसकी शूज पहने हुए हैं, नीचे का अपनी ड्रेस पहनी हुई, और ऊपर के उतार के बनियान में रहता था, ताकि इनको ही लगे कि मैं घर पर हूँ, कि मैं ड्यूटी से आ गया हूँ और मैं रेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद वो चला जाता था, नेक्स्ट डे आता था, तो मुझे शेयर कर देता था कि नहीं मैं कहीं काम से गया था। लेकिन आज जो ये घटना हुई, मैं कल वहाँ से यहाँ आने पर मेरे एक आंसू नहीं निकले, मुझे या तो कहीं प्रभु ने शक्ति दी कि मैं अपनी मिसेज को बच्चों को यहाँ लेकर पहुँच सकूँ। और अब भी मैं कतई नहीं रहूँगा, मैं कभी नहीं रहूँगा, मेरे बेटा ने देश के लिए अपनी जान दी है, और उसकी यही इच्छा थी। जैसे मैंने आपको बताया, वो जब भी कभी ये हो हमेशा ये कहता था कि नहीं मुझे जम्मू कश्मीर में जाना है, मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, मुझे कोई किसी बात का दुख नहीं है, मुझे उसके इस बलिदान पर गर्व है। हाँ ये थोड़ा सा कहना आसान होता है, लेकिन जब मेरी फिलहाल सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार उनके घर पर पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने। उनकी एक फ़ोटो बाहर लगाई गई है जहां पर लोग आकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब कुछ ही देर में उनका शरीर देहरादून पहुंचने वाला है। दीपक मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले थे और फिलहाल देहरादून में रह रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।